नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। योगी सरकार का तोहफा, सस्ती मिलेगी यूपी में जमीन। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी में 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्लान को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रही थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट लगाने वाले कंपनियों को जमीन के सर्किल रेट और टैक्स में भी बड़ी छूट देने की योजना शुरू की है। इस कड़ी में लखनऊ समेत प्रदेश के 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाई जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें चलाने की योजना है। मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज में 50-50 बसें चलाने की योजना है। इसके अलावा बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। खबरों के मुताबिक पिछले महीने उद्योग मंत्रालय को 11 शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें से अभी सिर्फ 600 बसों को मंजूरी मिली है। बता दें कि मंत्रालय की ओर से एक बस के एवज में 45 लाख रुपए के मूल्य से 270 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना पर 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25% रिबेट सहित कई सुविधाएं देगी। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन के लिए प्राइवेट निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सभी शहरों में इन बसों का कॉन्ट्रैक्ट पर चलाया जाएगा। इन ऑपरेटर्स का चयन टेंडर के जरिए होगा। बस संचालन करने वाली कंपनी को नगरीय परिवहन निदेशालय डिपो में करोड़ों की लागत से बनने वाले चार्जिंग शेड, रूट पर चार्जिंग प्वाइंट और बिजली उपकेंद्र समेत सभी संसाधन मुहैया कराएगा। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की खास पेशकश। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।